वेलकम बैक टू माई चैनल फ्लॉन्टिंग माई फ्लॉस। तो आज है जन्माष्टमी, तो मैंने सोचा क्यों ना जो आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है राधा रानी लुक रिक्रिएशन या फिर गोपी लुक रिक्रिएशन, वो करूं मैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं। और पहली बात तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और अब जल्दी से करते हैं, मेरे पास एक साड़ी रखी है, मैं उससे ही करूंगी। आपको सामान दिखाती हूँ सारा और उसके बाद आपको तैयार होते हुए दिखाते हैं। मैंने मामी को भी यहाँ पर तब से रोक रखा है पिछले एक घंटे से, और मैं रील बना रही थी अपनी की, मतलब वो ट्रांजिशन वाली जो होती है, रील शूट कर रही थी पहला पार्ट, और तब से मामी रुकी हुई है। चलो फाइनली उनका वेट खत्म कर दिया और मैं साड़ी बनवाने जा रही हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं अभी आपको 2-3 मिनट में। बंद हुई है मेरी, मुझे साड़ी अच्छी लगती है, पर ये साड़ी ऐसी है ना संभालने में, इसकी मतलब बहुत हल्की साड़ी है, पर जब इसको बांधने वाले की हालत खराब हो जाती है। मामी कैसी हो रही है हालत आपके बांधते बांधते? हाँ है ना, आपको घूंघट नहीं करना, ये सिर पर रुकेगी वही मेरा मन रह गया इसे बांधने का, पर कैसा इसका कपड़ा है ऐसा, इसका बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, टिश्यू पेपर का ऑर्गेन्जा कपड़ा है, वो भी बहुत सॉफ्ट वाला अच्छा वाला, इस वजह से इतनी बड़ी बड़ी पिन है। शादी आई साड़ी आई 2500 रूपए की थी, 2000 की थी, 2500 की। हम आपको दुकान बता देंगे अगर आप लोग को चाहिए हो तो। तो अभी आप लोग मेरा लुक देख सकते हैं, विदाउट मेकअप ऐसी लग रही हूँ, मेकअप हो जाएगा तब देखते हैं। और मैं अपनी पूरी साड़ी दिखाऊंगी, अभी आपको बंद जाने दो, पिछले मामी आधे घंटे से मुझे ये साड़ी बांध रही है। चलो अभी मिलते हैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली दिस इज माय होल लुक आउटफिट वाइज, और तुम कैमरे को टेढ़ा मत कर अंशु। सो आउटफिट वाइज दिस इज माय होल लुक, फाइनली मैंने साड़ी बांधी है। और देखो यार ये पीछे गिर जाएगा तो दिख रहा है, अब पूरा आउटफिट नहीं दिख रहा अब दिख रहा है। तो ये देखो ये लेस मुझे मिल गई जिससे परफेक्टली मैच हो रही है, जिससे इसका लुक और एनहेंस हो चुका है। तो अब हम करेंगे सिंपल सा मेकअप और चलो फिर करते हैं। गाइज फाइनली आई होप मेरा मेकअप दिख रहा होगा, मैंने मेकअप कर लिया है फाइनली। पर यार अब मैंने इनका ब्रेड्स बनाने जा रही हूँ, मतलब हेयर स्टाइल मेकअप हो चुका है, हेयर स्टाइल बनाने जा रही हूँ। गोपी डॉट्स मैं इसके बाद बनाती हूँ, ठीक है, आपको दोबारा मिलती हूँ हेयर स्टाइल बनाने के बाद, ठीक है। और मेरी आवाज को प्लीज गाइस हेयर आई एम, मैंने फ्लावर्स लगा लिए हैं यार, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, मैं मैंने बहुत ऐसी जैसा भी ये लुक होगा, वी विल ट्रैवल लेवल बेस्ट कि इसको हम अच्छा कर सके, बाकी जैसा होगा देखा जाएगा। अभी मैं पूरा लुक आपको रिक्रिएट करके दिखाती हूँ, चलो। सो गाइस मैं इतनी बार बोलती हूँ, मैं भी थक चुकी हूँ, ठीक है। सो दिस इज माई फाइनल लुक, मेरा मेकअप कुछ ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसा रहा होगा, जो भी है मुझे तो काफी अच्छा लगा ये वाला लुक। और मैं पूरा लुक दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ एंड लेट मी शो यू माय होल लुक। अभी भी नीचे का तो आ नहीं रहा है, शायद मेरी कैमरामैन आ गई है, मेरी कैमरा गर्ल है ना कि मैन, एक मिनट। तो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक, आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो मेरा मेकअप और पूरा कुछ हो चुका है, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरा अगला व्लॉग होगा, यानी कि जिसमें मैं जन्माष्टमी का पूरा दिन दिखा रही हूँ मेरा कैसा रहा, मैं क्या क्या करा, उसमें मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं इस साड़ी को तब तक पहन के रखूंगी, मतलब पूरे आउटफिट को ही पूरा जितना भी मेरा है तब तक पहन के रखूंगी जब तक कान्हा जी का रात को 12 बजे के बाद
या फिर 12 बजे जन्म नहीं हो जाता है तब जाके मैं अपना ड्रेस वगैरह चेंज करूंगी। तब तक जो भी मुझे करना है पूजा खाना पीना तो खैर 12 बजे के बाद ही होगा। दिख नहीं रही वीडियो में, अच्छी नहीं दिख रही जितनी रियल में दिख रही। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि जितना भी कुछ है 12 बजे तक मैं ऐसी रहने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये पूरा लुक आप लोगों को पसंद आया होगा। यार सुबह मैं इसको करने लगी थी 3 बजे से और कितना टाइम मुझे तो मेकअप करने में लग गया क्योंकि मेरा बार बार लाइनर ना सेट ही नहीं बैठ रहा था। कभी ये वाला बिगड़ जा रहा था, कभी ये वाला। एक बार इसको साफ करो फिर इसको साफ करो। लिटरली मुझे 1 घंटा सिर्फ लाइनर लगाने में लगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ऐसी कोई खास है नहीं। तो क्या करना चाहती है? हाँ तो मेरी प्रैक्टिस ऐसी कोई खास है नहीं जिस वजह से मुझे इतना टाइम लगा। फिर ये गोपी डॉट्स बनाने में भी और पता है पसीना आ रहे हैं तो ये गोपी डॉट्स क्योंकि मैंने उससे बनाई है पेंट कलर से बनाई है तो ये भी बहने लग जाएंगी कुछ देर में। खैर देखते इसका मेकअप का 12 बजे तक क्या होगा। गाइस इसका मेकअप अजीब लग रही है पता है क्या तो यस गाइज मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं रात को ये रखूंगी तो वो वाला ब्लॉग जरूर देखना उसमें बहुत मजा आएगा। तो अभी मैं कुछ काम काज कर लेती हूँ रील वगैरह शूट कर लेती हूँ जो भी मुझे काम करना कर लूंगी। उस ब्लॉग को जरूर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मम्मी ने गेट बंद करने के लिए आवाज लगा दी जल्दी से बंद कर देते हैं और तो कुछ नहीं। अगर आपको मेरा लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर।